कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने शनिवार देर शाम प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि एक दिन में कोरोना के 2154 मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR ने बताया कि अभी तक 16,365 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार शनिवार तक 354,969 लोगों के 372,123 सैंपल की जांच की गई। इसमें से 16,365 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 488 हो गई, जबकि अब तक कुल 14,792 लोग संक्रमित हुए हैं। शुक्रवार शाम से 36 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के 957 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि फिलहाल संक्रमण के 12,289 मामले हैं, जबकि 2,014 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। संक्रमण के कुल मामलों में 76 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी की मृत्यु दर लगभग 3.3% है। अगर आयु वर्ग के हिसाब से विश्लेषण करें तो 0-45 वर्ष के आयु वर्ग में 14.4% मौतें हुई हैं, 45-60 साल के बीच यह आंकड़ा 10.3 है, 60 से 75 वर्ष के बीच यह आंकड़ा 33.1% है।